दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ मुश्ताक अली साहब, जुड़ चुके वाइस एमपी से। मतगणना को लेकर जिस तरह से सुबह से रुझान को लेकर भाजपा प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी और निर्दलीय आप पार्टी के लोग यहाँ मौजूद थे, 133 लोगों का मतदान में जो ईवीएम मशीन में अपना किस्मत का ताला लगा हुआ था उसको लेकर आज खुला है और अब जो स्थिति क्लियर हुई, बात करते हैं वार्ड नंबर 33 से स्वाति चोपड़ा जी से बात करते हैं, जिस तरह से उनकी जीत हासिल हुई उनको लेकर क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको जीतने के बाद? बहुत खुशी हो रही है, ऑफकोर्स बहुत अच्छा ही लग रहा है। आपके वार्ड को लेकर जिस तरह की चर्चा चलती थी, जिस तरह की बातें उठ रही थी, उसके बाद लग रहा था कि आपकी जीत पक्की है, तो क्या कहेंगे आप उसको? बस ये कहना चाहूँगी कि मतदाताओं ने सपोर्ट किया है और उन्होंने जो विश्वास दिखाया है, जो पार्टी ने विश्वास दिखाया है, उस पर हम खड़े उतरेंगे, पूरी कोशिश करेंगे बेस्ट काम करने की। हमारे साथ विनीत पाटनी जी भी है, बात करेंगे। बाबा जी, आज जिस तरह का वोट आपको मिला है, जिस तरह की जीत हासिल हुई, क्या कहेंगे? मैं 390 वोटों से जीती हूँ और सबसे पहली बात, जो काम किया है और जो विकास हुआ है उसकी तरह से, उसकी वजह से हमें बहुत जीत मिली है संगठन में। करीब कितने वोटों से आपको जीत मिली? 390। और आपके जो प्रतिनिधि सामने थे वो कितने वोटों से आ रहे हैं? 390 वोट। विनीत जी, जिस तरह से देखा गया, पार्टी ने आपको दूसरी बार मौका दिया है, क्या कहेंगे आप पार्टी को लेकर? पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद, संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें मेरे पे विश्वास जिताया, मैं उस पर विकास भी विश्वास पे खरा उतरा हूँ और पार्टी शीर्ष नेताओं का मैं धन्यवाद कहता हूँ। भारतीय पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमिताभ जी, जिस तरह की बात करें हम बीजेपी की, 22 से 23 सीटें आई हैं, 22 से 23 सीटें आने के बाद जिस तरह से भाजपा में मतगणना स्थल हो गया है, बीजेपी की जीत को लेकर क्या कहेंगे आप? ये संगठन की जीत है, ये एक भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की जीत है और ये विकास की जीत है। जो शहर में विकास हुआ था, हम उसके दम पे जीते हैं और आगे भी हम विधानसभा और आगे भी फतेह करेंगे। और वोट बनने के बाद जिस तरह से बंगलाबाजी बगीचावासियों की, जो लोग का जीना हराम हो रहा था, नरकी जीवन जी रहे थे, उस तरह से अब किस तरह का जो है बंगला बगीचावासियों के लिए समस्या का हल निदान किया जाएगा? सबसे पहली प्राथमिकता बंगला बगीचा ही रहेगी। बोर्ड में जो भी अध्यक्ष बनेगा, जिनको भी पार्षदगण चुनेंगे, उनकी सबसे पहली प्राथमिकता 40 ही पार्षदों की यह रहेगी हमारे, कि कैसे प्रयास करेंगे कि हम लोग बंगला बगीचा समस्या इसका निदान हो और बंगला बगीचा वासी इन सब समस्याओं से मुक्त हो, हम यही चाहते हैं। मैं भी बंगला बगीचा में रहता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है संगठन पे कि इस बार जरूर इस समस्या का निदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठन को लेकर जिस तरह कहा कि विकास की धारा है संगठन में, और इस बार जो है बीजेपी का बोर्ड फिर से बन रहा है, फिर नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी बनेगी, सबसे पहले जो है बंगला बगीचा वासियों की समस्या का निदान किया जाएगा, बस यही भाजपा जनता पार्टी का विकास का कहना है। मेरे सहयोगी अंकित यादव के साथ मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।